तो भाई ये है हमारा इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम, और भाई ये है हमारा दूसरा गेम इंडियन थीफ ऑटो सिमुलेटर, और भाई ये है हमारा तीसरा गेम यानी कि GTA इंडिया। तो भाई आज की वीडियो में हम इन्हीं तीन गेम के बीच में करने जा रहे हैं भाई कंपैरिजन, और भाई देखेंगे कि भाई कौन सा गेम किस गेम को बीट कर पाता है। तो गाइस आर यू रेडी इस कंपैरिजन को देखने के लिए? तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा रेडी हूँ इस कंपैरिजन को करने के लिए, तो भाई आप लोग भी अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। तो चलो भाई यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम से, जहाँ पर हमें भाई देखने के लिए मिल जाता है भाई एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, जिसके अंदर भाई हम नहा सकते हैं बहुत सुबह सुबह उठ करके। वैसे भी भाई मुझे 5-6 दिन हो गए नहाए। ये क्या बात करता है यार। और भाई हमें स्विमिंग पूल के अलावा हमारे गेम के अंदर भाई चीट कोड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। हम भाई अपने फोन से भाई कुछ भी मंगा सकते हैं, कार वगैरह मंगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर भाई स्कॉर्पियो कार मंगा ली अपनी। वाओ। और भाई हमें इस गेम के अंदर भाई बहुत सारे NPC भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और भाई तरह तरह के चीट कोड भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि भाई डांसिंग लेडी हो गई, और भी काफी अलग अलग चीट कोड्स हैं। और भाई इस गेम में ऐसा भी रूल है, अगर हम किसी NPC को मार देते हैं तो भाई पुलिस तुरंत आके हमारी खोपड़ी पे कनपट्टी पे बंदूक रख के हमें उड़ा देती है। तो भाई इस गेम के अंदर न्याय भाई पुलिस तुरंत हाथों हाथ कर देती है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और भाई हमने ले लिया है भाई पुलिस से पंगा, और भाई अब देखते हैं कि पुलिस कितनी देर में आने वाली है। और भाई हमें ना इस गेम के अंदर भाई अपना बहुत बड़ा आलीशान मकान भी देखने के लिए मिलता है, और भाई जिसके अंदर हमें जिम भी देखने के लिए मिल जाती है। और भाई इसी के साथ साथ हमें भाई बहुत बड़ा भाई प्रिजन भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि पुलिस स्टेशन भी देखने के लिए मिलता है हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में। और भाई पुलिस आ चुकी है यहाँ पर, तो भाई हमें हमारे गेम के अंदर भाई पुलिस वालों से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि भाई ये आते हैं और भाई सीधा गोले से उड़ा देते हैं, और भाई मैंने भी इनकी कार को उड़ा दिया, और भाई मैं फंस चुका हूँ क्या यहाँ पर। और भाई हमें इस गेम के अंदर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है, और भाई आपको मैं बता दूं इस गेम के अंदर भाई हमें एक ओल्ड हाउस भी देखने के लिए मिलता है, बट भाई पुलिस यहाँ पर हमारे पिछवाड़े पर गोलियां मारे जा रही है। तो भाई आप लोग कमेंट में भाई रेट बताओ, आप लोग भाई अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D को कितना परसेंट रेट करना चाहते हो? तो भाई मैं इसको करना चाहता हूँ भाई 10 out of 9। तो भाई आप लोग कमेंट में बताओ अपना डिसीजन। ऑल राइट गाइस, तो भाई हम आ चुके हैं हमारे दूसरे गेम यानी कि इंडियन थीफ ऑटो। तो भाई हमें इस गेम में आते ही भाई इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तरह देखने के लिए मिल जाता है भाई एक स्विमिंग पूल, जो कि भाई अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, इसमें भी हम भाई रोज नहा सकते हैं। और भाई हमें इस गेम में इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अलावा भाई हमें यहाँ पर एक डॉगी भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि भाई इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में भाई चीट कोड से आता है। और भाई हमें इस गेम के अंदर भी भाई बहुत सारे चीट कोड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भाई मैं ऐसे ही अपने फोन के अंदर भाई #305 डालता हूँ, तो भाई हमें यहाँ पर एक लेजेंडर कार देखने के लिए मिल जाती है, जो कि भाई बहुत प्यारी लग रही है। और भाई मुझे इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D से बेटर लग रहे हैं भाई इस गेम के ग्राफिक्स। और भाई हम इस गेम के अंदर भाई NPC को भी मार सकते हैं, और भाई जैसे ही मैंने फायर की गोलियां NPC के ऊपर, तो भाई वो अपने सामान को ठाकर के दुम दमा के भागने लगा, और भाई मैंने जैसे तैसे करके इसके प्राण निकाल दिए हैं। और भाई हमें इस गेम के अंदर भाई तरह तरह के वेपन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ही भाई मैंने अपनी RPG से ट्रैक्टर पर फायर किया तो भाई ट्रैक्टर उड़ करके पड़ा है, और भाई इसी के साथ पुलिस भी आ चुकी है भाई एक्शन में, और भाई एक्शन के रिएक्शन हो गया है। तो भाई इस गेम को आप लोग देखो और भाई बताओ क्या रेट करना चाहोगे? तो भाई मैं इस गेम को रेट करता हूँ 9.5 out of 10। तो भाई ये है हमारा लास्ट गेम यानी कि GTA इंडिया। तो भाई हमें इस गेम के अंदर भाई अपना एक आलीशान घर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि भाई एक अच्छी बात है यार बेसिकली। और भाई इसके अंदर भी हमें डिफरेंट तरीके के चीट कोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने 4 times भाई 1 डायल किया तो भाई यहाँ पर मून ग्रेविटी लग चुकी है, और भाई यहाँ पर मून ग्रेविटी में कोई मजा नहीं आ रहा है यार। तो भाई यहाँ पर दोबारा से कोई रैंडम नंबर डायल करती है, जैसे कि भाई 3 times भाई 2 डायल किया तो भाई हमें एम्बेसडर कार देखने के लिए मिलती है,
है जो कि भाई बहुत ओल्ड कार है भाई। एक ये वाली कार ना ही तो भाई हमें अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में देखने के लिए मिलती है और ना ही किसी और गेम में। भाई ये देखो इमोट भी देखने के लिए मिलता है भाई हमारे GTA इंडिया में। भाई कितना मस्त लग रहा है, हमारा बंदा एक के भुंडी तरह से नाच रहा है। और भाई इसमें भी NPC देखने के लिए मिलते हैं। और भाई यहाँ पर जैसे NPC पर फायर करते हैं तो भाई NPC के पता नहीं क्या हो जाता है, वो भाई गुड़ते जाता है और मैं फायर करते जाता हूँ। अरे बस कर भाई। ठीक है दीदी, ठीक है, गुस्सा मत करो। आगे बढ़ते हैं तो भाई हमारे गेम के अंदर। और भाई यहाँ पर हम हमारे गेम के अंदर जैसे ही 4 बार डायल करते हैं तो भाई मून ग्रेविटी हटा दिया मैंने। अब देखते हैं भाई फायर करके किसी बंदे के ऊपर। तो भाई यहाँ पर जैसे ही मैंने गन ली हाथ में तो भाई ये क्या है, ये तो टट्टी है। और भाई ये देखो ये कैसे फायर कर रहा है भाई, बंदा कहाँ है और ये गोली कहाँ फायर कर रहा है भाई, इसमें तो अलग ही ग्लिच चल रहे हैं। तो भाई ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा यार डिसअपॉइंटेड लग रहा है गेम। बट गाइस हमें इस गेम के अंदर भाई यूनिक चीट कोड्स देखने के लिए मिलते हैं। और भाई यहाँ पर अपनी RPG भी भाई अलग ही चल रही है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई वेपन का सो इस गेम में बहुत ज्यादा ग्लिच है। तो भाई मैं रेट करता हूँ इस गेम को भाई 7/10। तो भाई मुझे तो इतना बेटर गेम नहीं लगा, बट गेम है तो भाई और एवरेज है गेम मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो भाई चलो अब बारी है भाई डिसीजन ले ले कि कौन विनर है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ रिजल्ट की भाई कौन जीता है इस वाले कंपैरिजन में। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हमारा जो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम है वो है भाई 2nd पर, और भाई हमारा जो विनर है वो है भाई इंडियन थीफ ऑटो सिमुलेटर, और भाई हमारा जो GTA इंडिया है वो भाई आता है 3rd पर। तो भाई आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय एंड गुड बाय।